करने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए। तो साथियों अभी 12 बज के हो गए हैं 10 मिनट। हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़ू को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास प्रणाम। पुष्पा प्रसाद ब्लॉग में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे सभी देशवासियों को हैप्पी जन्माष्टमी। मेरे सभी भारतवासियों पे राधा रानी और कृष्णा की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ ब्लॉग को आगे को कंटिन्यू करती हूँ। मैंने भी नहा धो लिया है और कॉफ़ी को भी हम लोगों ने नहला दिया है, कपड़े भी मेरे धुल गए हैं और दोसा जी के लिए ना नाश्ता भी बना लिया। तो साथियों आज ना हमारे गरुड़ ब्लॉक के कौसानी में ना बहुत भव्य मेला लगता है, वहाँ पे बहुत सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह होते हैं। तो दोसा जी और बॉबी जा रहे हैं, देखते हैं अगर वो वहाँ से कुछ सूट करके लाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, और अगर नहीं हो पाएगा तो नहीं दिखा पाऊँगी। तो हमारा जो भारतवर्ष है ना, वो देवी देवताओं की आस्था से बहुत ज़्यादा जुड़ा है, और यहाँ ना सभी लोग जो यहाँ रहते हैं वही नहीं, जो विदेशों में भी रहते हैं वो भी भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। हमारे कान्हा, हमारे भोले बाबा, माता रानी की तो कृपा अपरंपार है। तब मैं सोचती हूँ ना, उस समय कितना अच्छा रहा होगा जब हमारे कान्हा ने इस जमी पे जन्म लिया होगा, अगर अभी सभी लोग इतने हर्षोल्लास से मनाते हैं, करोड़ों अरबों साल हो गए हैं उस बात को हुए, तो उस वक्त का समय कितना अच्छा रहा होगा, कितनी रास रचाई होगी हमारे कान्हा ने, गोपियों ने कितनी लीलाएं की होंगी और कितने खुश रहे होंगे वो वृंदावन में। कृष्ण ने हमारी मतलब लोगों को एक जीना सिखाया, जीने की आस्था, प्रेम करना सिखाया, और उनके दिल में करुणा भी थी, उनके दिल में रक्षा भी थी। तो ये सारी चीज़ों का पाठ अगर आज इंसान करने लग जाए ना, तो हमारा भारतवर्ष ना स्वर्ग बन जाए। उस समय हमारे कान्हा ने ना द्रौपदी के चीरहरण के समय एक बार श्री कृष्ण ने का हाथ कट गया था, तो हमारी जो द्रौपदी माँ हैं उन्होंने साड़ी का पल्लू काट के उनके हाथ में लगाया। तो जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो उस श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। तो मैं तो कहती हूँ कान्हा आप फिर से आ जाओ। उस समय कौरव ये सोचने को मजबूर हो गए कि नारी पीछे साड़ी है कि साड़ी पीछे नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। तो कान्हा से मैं फिर से गुजारिश कर रही हूँ कि फिर से आ जाओ हमारे भारतवर्ष में। एक छोटा सा गीत मैं उसमें कह रही हूँ, बड़ी देर भयो नंदी लाला तेरी राह तके ब्रिज बाया, ग्वाली बाली की किसे पूछा कहाँ है मुरली बाया, बड़ी देर भई नंदी लाला तेरी राह तके ब्रिज बाया, संकट में है आज वो धरती जिस पे तूने जन्म लिया, जिस पे तूने जन्म लिया, पूरा कर ले अपना वचन वो गीता में जो तूने दिया, तेरे सिवा अब कोई ना दूजा भारत का रखवाला, बड़ी देर भई नंदी लाला तेरी राह तके ब्रिज बाया, बाली बाली एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला, कोई ना वे कुंज गलने में तुझ भी निकलिया चुनने को, तुझ भी निकलिया चुनने को, तरस रहे हैं
के तू क्यों दुविधा में डाला, बड़ी देर भई नंदीलाला। तो अब आगे का काम करती हूँ मैं कंटिन्यू। तो अभी मेरा बहुत ज़्यादा काम है, अभी कान्हा का मंदिर भी सजाना है। डाले हैं गेहूँ, तो पता नहीं कहाँ से कबूतर आ गए और वो गेहूँ खाने में है। मैं भी उनको उड़ा नहीं रही हूँ ताकि पेट अपने आप भरता है उनका। तो कॉफ़ी भी हमने नहला दिया है जन्माष्टमी के दिन, और अभी अब सूख भी गया है, और इसको ना टीका भी हमने लगा दिया है। अब बारिश आने का भी हो गया, छत से मैं थोड़ी बहुत कपड़े भी ले आती हूँ और आप लोगों को ना थोड़ी बहुत बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ। और आज ना बहुत ज़्यादा बारिश आने का जैसा मौसम हो रहा है। शाम के समय का मौसम कुछ इस तरह से है, बहुत घने घने बादल छाए हैं हिमालय में, और बहुत ही जोरों की बारिश आने वाली है, और आकाश में भी घने बादल लगे हैं। कौसानी में लगता है बहुत ही विशाल मेला, तो दो साजी लोग गए थे वहाँ, ज़्यादा भीड़ थी। थोड़ी झांकियाँ आप लोगों को दिखाते हैं कौसानी की भी। अभी शाम के बज गए हैं 7, और ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई, तो दिखाती हूँ आप लोगों को थोड़ा बाहर का नज़ारा। डाली डाली तो मेरे कान्हा का भी ना अलग से मंदिर बना लिया है। ना आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे। कान्हा आएंगे आएंगे कान्हा। तो राधा कृष्ण की मूर्ति ही मैंने वो की है, तो मैं छोटा ना लड्डू गोपाल नहीं लेके आई हूँ। कई बार उनकी सेवा नहीं हो सकती है, जैसे उनको सुबह नहलाना, भोग लगाना और अपने साथ ही ले जाना। लोग ये कहते हैं कि उनको फिर अकेला नहीं छोड़ते जहाँ पे लड्डू गोपाल के अगर घर में स्थापना की, तो इसलिए फोटो फ्रेम में ही राधा कृष्ण की पूजा करती हूँ। और छोटा सा एक टेबल के ऊपर एक मंदिर मैंने राधा कृष्ण का बना लिया है, तो अभी 12 बजे करूँगी मैं पूजा अर्चना। तो अभी शाम के खाना बनाने की तैयारी होने लगी है मेरी, और मैं आटा गूंथ रही हूँ अभी। तो अभी मेरी बन रही है पूड़ियाँ। तो मेरी कान्हा की भोग की थाली हो गई है तैयार। मैंने बनाए हैं पूरियां, प्रसादी, पनीर, खीर और लौकी की तरी वाली सब्जी और मिठाई, ये कान्हा के लिए मैंने रख दिया है, और साथ ही अपने पितरों के लिए भी रख दिया है। बारिश के बीच बिल्कुल मस्त मौसम रात का। तो साथियों अभी 12 बज के हो गए हैं 10 मिनट, और मैं आ गई हूँ अपने कान्हा को भोग लगाने और कान्हा की पूजा करने के लिए। और हमारे चारों ओर बिल्कुल संकट बनी हो रही है। हमारे वहाँ पे अधिकतर लोग 12 बजे ही पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना मंदिर बहुत दूर है, तो मैं वहाँ जा नहीं पा रही, इसलिए घर ही मैं अपने कान्हा की आरती कर रही हूँ।
साथियों, मेरी कान्हा की पूजा भी हो गई है संपन्न, और अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। ये तो कान्हा का ही आशीर्वाद है कि मैं 12 बजे तक रह गई, नहीं तो मैं ना दिन में कई बार खाना खाती हूँ और मुझे बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती थी, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। तो मैंने अपने बच्चे को भी फ़ोन कर लिया है और उन्होंने भी पूजा कर ली बता रहे हैं, और जहाँ पे उनका रूम है वहीं पे बहुत ही भव्य मेला लगा है और कान्हा के कई झूले लगे हैं और सभी वहाँ पे एक साथ ही झूला झूला रहे हैं। तो अभी बच्चे भी कान्हा को झूला झूला के आ गए हैं, कुछ प्यारी सी तस्वीरें ली हैं उन्होंने। देखो देखो सखी यशोदा माँ को, वो तो धीरे से पलना झूलाने लगी, वो तो अपने लल्ला को झूलाने लगी। मेरी भी पूजा अर्चना हो गई है और अभी टाइम हो गया है, सुबह के 1 बज गए हैं। तो मैं भी अब खाना वगैरह खा लेती हूँ और आज के ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, कल फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नया ब्लॉग लेके। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।